Good afternoon to you all. Hello guys, hello Falguni, hello Dol. Nice to see you all here. Wonderful. Okay, so we are going to start, hello guys. Okay, we are going to start with our third part of the Periplaneta Americana. आज हम पढ़ेंगे कैसे हो सब लोग जल्दी जल्दी आ जाओ सारे ठीक है अपने दोस्तों को भी लिंक भेज दो उनको भी बोलो ज्वाइन करें ठीक है सो विद दैट वी कैन स्टार्ट ओके परफेक्ट सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद पेरीप्लैनेट अमेरिकाना हमने दो लेक्चर ऑलरेडी ले चुकी हूँ मैं है ना कॉकरोच के ऊपर तो हमने एनाटॉमी एक में हमने मॉर्फोलॉजी पूरा पढ़ लिया था कल हमने क्या पढ़ा था वी टॉक्ड अबाउट नथिंग बट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच आज हम लोग क्या करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और इन दोनों सिस्टम में से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है नीट में हेलो कुणाल ओके हेलो रविंद्र ओके परफेक्ट गाइस वंडरफुल So we'll start. Before I start, I heartily welcome you all to Neat Voya channel, a channel in the platform of An Academy. And I am Swagata Mukherjee. बहुत लोग मुझे already जानते हैं जो लोग नए हैं मैं अपना फिर से introduction दे देती हूँ मैं हूँ स्वागता मुखर्जी और मुझे एक्सपीरियंस मोर देन 5 years का टीचिंग फील्ड में आई हैव टॉट इन मेजर ऑफलाइन institutions ऑफ इंडिया एंड आई हैव also produced results in ICER पुणे in AFMC in major MBBS colleges of India as well. I've also worked as a JRF, that is Junior Research Fellow in IISc Bangalore. और फिर मैं आ गई आप सबको पढ़ाने के लिए Wonderful. Hello Aishwarya. Nice to see you all here. तो आपको जैसे पता है कि आज भी 5 बजे हमारा एक स्पेशल क्लास होने वाला है अनअकैडमी के ऐप में तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए स्पेशल क्लास बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ठीक है तो उसकी इंपॉर्टेंस मैं बता देती हूँ कि क्यों आना चाहिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पे देखो लाइव क्लासेस यूट्यूब पे भी हो रही है वहाँ भी होती है लेकिन वहाँ का क्वालिटी ज़्यादा बेटर है वहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन ज़्यादा बेटर है आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो और आप अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हो टीचर से जो भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उससे आपको कोई भी डाउट है आप तुरंत पूछ सकते हो ठीक है बढ़िया वंडरफुल हाँ जी स्पेशल क्लास का टॉपिक है आज एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है फैसिलिटी डिफ्यूजन क्या है ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज आपके स्पेशल क्लास में 5 बजे आपका स्पेशल क्लास है तो कल हमने सारा डाइजेशन देख लिया था कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स लिपिड सबका हमने देख लिया था उनका हमें एब्जॉर्प्शन भी देखना है तो वो आज हम स्पेशल क्लास में करने वाले हैं विथ क्वेश्चन है उन पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसका कोई क्वेश्चन भी मैंने कुछ लिए है उसका भी मैं लाइव पोल्स दूंगी ठीक है तो जैसा कि मैं लाइव पोल्स के बारे में अभी बता रही थी वो लाइव पोल्स आज भी होने वाला है उसमें आपको MCQ दिया जाता है साथ के साथ ही 4 ऑप्शन रहेगा ABCD आपको चूज करना पड़ता है सही ऑप्शन जैसे कि यहाँ वीडियो प्ले हो रहा है वहाँ लीडर बोर्ड आती है और लीडर बोर्ड मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ और आप देख सकते हो अपना खुद का परफॉर्मेंस लाइव राइट वहाँ पे टेस्ट सीरीज होता है और टेस्ट सीरीज को देने के बाद आप खुद अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं ठीक है ओके परफेक्ट हेलो अनुरासा वंडरफुल ओके ओके बिल्कुल परफेक्ट फाल्गुनी वंडरफुल हेलो प्रीति हेलो सॉरी गाइज मैं देखा नहीं था तुम्हारा नाम हेलो काजल गुड आफ्टरनून टू यू ऑल ठीक है उसके अलावा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जो सबसे बेस्ट फीचर है अनअकैडमी के ऐप का वहाँ पे आप कोई भी आपके एक लाइव डाउट सेशन का अलग सा क्लास लगाया जाता है आपको जो भी डाउट आता है आप उसमें पूछ सकते हो टॉपिक वाइज भी टीचर बता सकते हैं कि आज मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का लाइव डाउट ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो आप उसमें भी आ सकते हो राइट ये हमारे कुछ बेस्ट एजुकेटर्स है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के और आपको अनअकैडमी का जो ऐप है उसको डाउनलोड करने को सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे यू जस्ट टाइप अनअकैडमी लर्निंग ऐप देन इंस्टॉल इट इंस्टॉल करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा प्लस फ्री कोर्सेज एंड स्पेशल क्लासेस तो फ्री कोर्सेज एंड स्पेशल क्लासेस ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और सब्सक्रिप्शन बहुत ही अफोर्डेबल है राइट आप बस प्लस में क्लिक कीजिए फिर नीट UG सिलेक्ट कीजिए बिकॉज यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ डॉक्टर देन यू गेट द सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन अगर आप सपोज इस पर्टिकुलर ईयर पे अपीयर हो रहे हो नीट के लिए तो ये जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये ज़्यादा फिजिबल होता है आपके लिए सूटेबल है ये और अगर आप सपोज 12th में हो और आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपीयर होने वाले हो तो ये वाला आप ले सकते हो प्लान दैट इज 2500 पर मंथ अगर आप 11th में हो और 2 साल बाद नीट के लिए अपीयर करने वाले हो तो यू कैन जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन दैट इज 1500 पर मंथ उसमें ऑलमोस्ट 75% ऑफ हो जाता है ठीक है इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा अगर आपने जो मेरा नाम है SWAGATA इसको एज अ कोड अगर आपने अप्लाई किया सो यू आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट ठीक है परफेक्ट
ये है हमारा टेलीग्राम ऐप का चैनल का नाम, तो आप इस पर्टिकुलर चैनल का नाम जो है इसको आप टाइप कर सकते हो, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो उसमें टेलीग्राम ऐप में, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक, एनसीईआरटी भी हम पढ़ेंगे, कल भी हमने यही किया था, एक एक सिस्टम पढ़ा था उसके साथ साथ हमने एनसीईआरटी भी देखा था, राइट, तो वो आज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, ठीक है, परफेक्ट गाइज। So let's start with our topic and we are going to start with nothing but again the next part of the anatomy of cockroach, ठीक है। तो cockroach की हम दूसरी वाली anatomy पढ़ेंगे, एक आपका circulatory system, एक आपका respiratory system। So let's start guys। ये आपकी NCERT का पूरा picture मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपकी circulatory system यहाँ दी हुई है और next paragraph में आपकी respiratory system के बारे में भी बताया गया है। एक ही सिंगल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको समझा देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं विथ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। सबसे पहले हमें ये तो पता है कि कॉकरोच जो है ऑब्वियसली उनकी ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है। ओपन टाइप क्यों? क्योंकि कॉकरोच इंसेक्ट है, आर्थ्रोपॉड्स है, सारे आर्थ्रोपॉड्स के ओपन टाइप होते हैं। ओपन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था एनिमल किंगडम में कि जो ब्लड है वो किसी क्लोज सर्किट के थ्रू नहीं मूव कर रहा है। सर्किट का मतलब क्या समझ रहे हैं हम यहाँ पे, वायर्स की बात थोड़ी कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड वेसल्स, राइट। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज नहीं होती है, मैंने ये डायग्राम भी दो तीन बार बना के आपको दिखाया हुआ है, राइट। तो ब्लड जब आ रहा है वो डायरेक्टली बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज के ऊपर जाके गिर रहा है। सो द टिश्यूज एंड द सेल्स दे आर गेटिंग बेथ्ड बाय ब्लड, ठीक है। तो उनकी कोई क्लोज सर्किट नहीं है। अगर हम किसी क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, तो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड मूव कर रहा है, उसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है। हमारे जैसे हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं बट हमारी सेल्स एंड टिश्यूज उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आती है। तो मैं ये पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम आपको डायग्रामेटिक वे में भी समझाऊंगी, मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी है वो उससे भी मैं आपको शो करूंगी, आपको जो भी ईजी लगे आप वो रेफर कर सकते हो, ठीक है, परफेक्ट। नाउ कॉकरोच के ब्लड वास्कुलर सिस्टम में सबसे पहले ब्लड नहीं होता है, उसमें होता है हीमोलिम्फ, हम उसको ब्लड नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कॉम्पोजिशन टोटली डिफरेंट है। हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है हम उसको ब्लड बोलते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन, और अगर आप कॉकरोच के बॉडी का फ्लूइड ले लो उसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग है, ठीक है। सिर्फ एक दो सिमिलैरिटीज क्या है उसमें कि कॉकरोच के ब्लड में भी आपको WBC लाइक सेल्स मिलेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज नथिंग बट अमीबोसाइट्स, क्योंकि उनकी शेप अमीबा शेप होती है, राइट, कोई भी इरेगुलर शेप होता है इसलिए हम उसको अमीबोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, ओके, हेलो राम, ओके, परफेक्ट। नाउ उनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोलिम्फ इज अ सॉरी हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, देन हीमोसायनिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये सारी हीमोग्लोबिन हमारे में मिलती है, हमारे में रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इनमें जरूरत नहीं है रेस्पिरेटरी पिगमेंट की। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट योर हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड, वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस हीमोग्लोबिन एंड वाई इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जबकि ये है आपकी ब्लड के अंदर RBC के अंदर मिलता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसका काम है टू कैरी ऑक्सीजन, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का ही ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपके लंग से जब डिफ्यूजन होता है आपके ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन टू ब्लड को वो ले जाता है, आपके सारे बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है, फिर वापस लंग्स में फेंकता है, तो ये कैरी कर रहा है आपकी रेस्पिरेटरी गैसेस को, ठीक है। बट कॉकरोचेस में या इंसेक्ट की बात अगर आप करो, उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम इतनी वेल डेवलप्ड होती है कि उनके बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन एटमोसफेयर से डायरेक्ट जाता है। कैसे जाता है वो हम देखेंगे, आज ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे। तो उनको किसी पिगमेंट की जरूरत नहीं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है, ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हीमोसील, हीमोसील का मतलब होता है जब भी ये सील वाला सफिक्स आ जाता है ना, यू हैव टू रिमेम्बर सील मीन्स अ कैविटी, ठीक है। तो देयर बॉडी कैविटी जो है वो हीमोलिम्फ से भरी हुई है, इसीलिए उसको हीमोसील बोल रहे हैं। हमारी बॉडी कैविटी क्या ब्लड से भरी हुई है? नहीं, हमारी तो ब्लड सर्किट के अंदर है, कैपिलरी के अंदर है। तो हमारे पास जो हीमोसील या बॉडी कैविटी में है उसमें ब्लड या हीमोलिम्फ नहीं है, तो हम कॉकरोच को अपने से ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हेलो हेलो राइजिंग, ओके, परफेक्ट। हेलो मनीषा, हेलो नलिनी, नाइस टू सी यू ऑल हियर, वंडरफुल, ओके। नाउ
As I said, the body cavity of the cockroach is filled with blood or hemolymph. क्योंकि मैंने बोला कि इनकी ब्लड को हम हीमोलिम्स ज़्यादा अगर बोले तो बेटर होगा, ठीक है, कॉम्पोजिशन अलग है. एंड उनकी जो हीमोसिल है, उनकी पूरी की पूरी बॉडी कैविटी है. यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, दिस एंटायर पूरा खाली स्ट्रक्चर इज नथिंग बट देयर बॉडी कैविटी. और इन बॉडी कैविटी को दो हॉरिजॉन्टल पार्टीशंस मिली है, ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल पार्टीशंस मिली है विद द हेल्प ऑफ अ डायफ्राम. तो ये जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है, चलो इसको मैं डायग्रामेटिक वे में भी समझा देती हूँ. तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से एक बार देख लीजिए. मैं इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ और मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी और मैं ये भी बताऊंगी कि सर्कुलेशन हो कैसे रहा है. क्योंकि आप अभी ह्यूमन की सर्कुलेशन भी पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि हमारी कितनी बार एक मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता है. सेम चीज़ मैं यहाँ भी बताऊंगी कि इनकी हार्ट कितने बार बीट कर रही है, ठीक है, ओके. तो इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम में हीमोलिम्फ और हीमोसील के अलावा इनके पास तो हार्ट भी होता है, ठीक है, बट देयर हार्ट इज न्यूरोजेनिक. न्यूरोजेनिक हार्ट है. न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब क्या होता है, द न्यूरोन इज इनिशिएटिंग द इम्पल्स, ठीक है. उनकी जो इम्पल्सेस है हमारे में कौन कर रहा था, एस ए नोट, दैट इज नथिंग बट अ मसल फाइबर क्लस्टर, इनमें न्यूरॉन्स कर रहा है. तो इट्स अ न्यूरोजेनिक टाइप ऑफ हार्ट. और उनकी हार्ट सिर्फ एक नहीं, 13 चेम्बर्स होती है हार्ट की. सो देर आर 13 चेम्बर्स ऑफ हार्ट प्रेजेंट. और इनकी हार्ट प्रेजेंट कहाँ पे है, सॉरी, ये क्या है, ये इनवर्टिब्रेट है, राइट. एवरी कॉकरोच इज अ इनवर्टिब्रेट. आई डू टीच ऑन अन एकेडमी एज वेल. टुडे आई हैव अ क्लास एट 5 PM. आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी देयर, यू कैन कम देयर. हेलो जिष्णु, नाइस टू सी यू हियर, परफेक्ट, ओके. नाउ सो 13 चेम्बर्स ऑफ हार्ट होता है उनका. हमारे में जो हार्ट है, ऑब्वियसली वी नो देर आर 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट. इन और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी पूरी एंटायर हार्ट ऑर्गन प्रेजेंट है हमारे वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी में. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नथिंग बट एन इनवर्टिब्रेट. इनवर्टिब्रेट में उनकी विसरल ऑर्गन और जो वाइटल ऑर्गन्स है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है. ये एक डिफरेंस में इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में ये एक डिफरेंस है. मैंने आपको ये भी बताया था कि नर्व कॉर्ड का पोजीशन देख के ही हम बता सकते हैं कि कौन इनवर्टिब्रेट है और कौन वर्टिब्रेट है ना. नोटोकॉर्ड तो चलो पता ही है कि वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड है, इनवर्टिब्रेट में नहीं है. बट व्हाट अबाउट नर्व कॉर्ड तो दोनों में ही होता है बट पोजीशन अलग है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड है उनकी, ये दिख रही है, दिस इज नथिंग बट द वेंट्रल नर्व कॉर्ड. वेंट्रल साइड में उनकी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है. हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, उनकी हार्ट प्रेजेंट है डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी में, ठीक है. तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि इनकी पूरी बॉडी को ऐसा कैविटी आप कंसीडर करो, हीमोसील, तो तीन आपको चार हीमोसील दिखेंगे एक्चुअली, ठीक है, और दो पार्टीशन ने इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है. तो इसको मैं यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में आपको समझा देती हूँ. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कॉकरोच का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना. ये कॉकरोच का स्ट्रक्चर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, परफेक्ट. सेम नीचे भी है उनका बॉडी, राइट. दिस इज नथिंग बट देयर हेड साइनस. ये इनकी हेड है. इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट देयर हेड इज हाइपोगनेथस हेड. हाइपोगनेथस का मतलब क्या होता है, बॉडी अगर स्ट्रेट है उनकी हेड ऐसे परपेंडिकुलर एंगल पे प्रेजेंट है, राइट, परपेंडिकुलर एंगल पे, परफेक्ट, यस, वंडरफुल, राइट. सो ऐसे प्रेजेंट है ये, ओके. सो आपको दिख रहा है इनका हेड हाइपोगनेथस पोजिशन में है. हेड थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया, चलो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं. बहुत ज़्यादा छोटा बना दिया मैंने, मुझे हंसी आ रही थी देख के, चलो थोड़ा सा बड़ा हेड बना दिया, ओके, परफेक्ट. तो चलो अब हम उनके हार्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं सारे के सारे. और हार्ट स्ट्रक्चर बनाने से पहले एक बार इसको डिवाइड कर लेते हैं हीमोसील को. तो दो डायफ्राम होता है, एक ये डायफ्राम हमारे मैमिलियन डायफ्राम के जैसा नहीं है, उससे डिफरेंट है, ठीक है. तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये जस्ट एक थिन कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन है, ओके, जस्ट एक थिन कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन है. ऐसे दो ऐसे परफोरेशन दिख रहे हैं, मैं कंटिन्यूअस लाइन नहीं बना रही हूँ, मैं डॉटेड लाइन बना रही हूँ, आपको दिख रहा होगा, है ना. तो ये आपकी दो डायफ्राम है. एक जो डायफ्राम ऊपर की तरफ है हम इसको क्या बोलेंगे, डॉर्सल डायफ्राम, क्योंकि ये डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी है, ठीक है. सो दिस इज द डॉर्सल डायफ्राम, ओके, परफेक्ट.
नीचे वाला जो है वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ वेंट्रल डायफ्राम. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द वेंट्रल डायफ्राम. जस्ट अ सेकेंड. ओके, वेंट्रल डायफ्राम. अब इन दोनों डायफ्राम ने क्या किया है, पूरे बॉडी को तीन पार्टीशन में डिवाइड किया, हीमोसिल को, ये ऊपर, बीच में और नीचे. ऊपर वाला जो है उसमें प्रेजेंट है आपकी हार्ट. ठीक है, हार्ट प्रेजेंट है, ये फर्स्ट चेंबर ऑफ द हार्ट. ठीक है, ये दूसरा चेंबर ऑफ द हार्ट, ये तीसरा चेंबर. ये हर एक चेंबर का मैं आपको अल्ट्रास्ट्रक्चर भी समझाऊंगी, हो कैसे रहा है ये भी दिखाऊंगी. ठीक है, तीन, चार, पांच, हो गया छ, ये हो गया सात, दिस इज एट, नाइन, टेन. जल्दी से गिन लो कितने हार्ट चेंबर्स बनाए हैं मैंने. आपका फर्स्ट वन टू थ्री कहाँ पे प्रेजेंट था, तीन थोरैक्स में, राइट. आपको पता है थोरैक्स में कितने होते हैं यूजुअली, थोरैक्स में तीन तीन सेगमेंट्स होते हैं, राइट, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, राइट. परफेक्ट, वंडरफुल, ओके, वंडरफुल. हेलो शोमी, नाइस टू सी यू ऑल हियर. ओके, यस, परफेक्ट परफेक्ट गाइस. जस्ट अ सेकंड, लेट मी ओपन द लाइव चैट, मुझे दिख नहीं रहा था आपका चैट. चलो ओके, तो फर्स्ट थ्री सेगमेंट्स है यहाँ पे, है ना, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स. उसके बाद आपका 10, देयर आर 10 सेगमेंट्स इन द एब्डोमेन. तो आपको बाकी के 10 दिख रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, 13 चेंबर्स, मैंने आपको वही बताया था. तो ये आपकी हार्ट चेंबर्स है, राइट. सो लेट्स जस्ट, दिस आर नथिंग बट योर हार्ट चेंबर. ऊपर जो डायग्राम था वही सेम मैंने यहाँ पे बनाया है, राइट. सो इस पर्टिकुलर कैविटी, ये जो नई कैविटी बनी है यहाँ पे, ये जो कैविटी, इसको हम क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज नथिंग बट पेरिकार्डियल साइनस. पेरिकार्डियल साइनस, साइनस का मतलब क्या है, कैविटी. इट्स अ लॉन्ग ह्यूज कैविटी. पेरिकार्डियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें हार्ट प्रेजेंट है, राइट. सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ हार्ट इन देयर, गॉट इट, परफेक्ट. ना नीचे डॉर्सल डायफ्राम के नीचे जो ये पूरी की पूरी साइनस है, हम इसको बोलेंगे पेरिविसरल साइनस. नाम से ही पता चल रहा है, विसरल मतलब इसमें क्या होना चाहिए, विसरल ऑर्गन होना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपकी सारी की सारी, ये ईसोफेगस हो गया, ये क्रॉप है, कल ही हमने पढ़ा था, राइट. यहाँ पे सपोज उनकी माउथ है, राइट, ये क्रॉप हो गया, फिर गिजार्ड हो गया, राइट, फिर उनकी इलियम, कोलोन, ये स्कीलियम, कोलोन वगैरह होके, फिर ये रेक्टम, इलियम, कोलोन एंड देन द रेक्टम, ये ओपन हो गया यहाँ पे. ठीक है, परफेक्ट. तो इसीलिए, क्योंकि इसमें विसरल ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज नथिंग बट द एलिमेंटरी कनाल, इसीलिए हम इसको पेरिविसरल साइनस बोलेंगे. ठीक है, ओके. अब नीचे वाला बात कर, नीचे वाले ऑर्गन की बात करते हैं. नीचे वाला जो साइनस है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं पेरिन्यूरल साइनस. पेरिन्यूरल साइनस, इसको पेरिन्यूरल साइनस क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट है बेटा, मैंने अभी बताया था ना, उसमें प्रेजेंट है नर्व कॉर्ड. तो आपको नर्व कॉर्ड दिखेगा, ओके. तो इनकी नर्व कॉर्ड यूजुअली दो होती है. आपके पास कितनी नर्व कॉर्ड है, यू आर अ कॉर्डेड, आपके पास सिर्फ एक ही नर्व कॉर्ड है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड तो एक ही है ना, एंड योर स्पाइनल कॉर्ड इज हॉलो. इनका जो नर्व कॉर्ड है, दैट इज अ सॉलिड नर्व कॉर्ड, एंड देयर आर टू. Okay, so we are going to call this as nothing but a ventral double solid nerve cord. ठीक है, nerve cord. अब इनके अलावा एक और sinus है जो आपकी head sinus है, जैसे मैंने बताया यहां भी खाली space है, राइट. तो हेड साइनस में जो हार्ट का चेंबर आके ओपन होता है, आपका जो फर्स्ट हार्ट चेंबर है, ये दिख रहा है फर्स्ट हार्ट चेंबर, वो बाकियों से थोड़ा अलग नहीं दिख रहा है, वो ज्यादा इलोंगेटेड है, राइट. सो वी आर गोइंग टू कॉल दिस थिंग एज नथिंग बट एओर्टा. एओर्टा ये है तो हार्ट ही, दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट हार्ट चेंबर. ओके, तो ये तो चलो हो गया स्ट्रक्चर. अब देखते सर्क्यूलेशन कहां से कहां हो रहा है. ठीक है, ओके. तो हम लोग अभी ले लेते हैं एक पर्टिकुलर आपका हार्ट का चेंबर, राइट. तो सपोज ये आपका एक हार्ट चेंबर है, ये आपकी एक हार्ट चेंबर है, ओके. जैसे मैंने ऊपर बनाया था, मैं वैसे ही बना रही हूं. ये आपकी दूसरी हार्ट चेंबर है, ये आपकी तीसरी हार्ट चेंबर है, ठीक है, ओके. नाउ ये जो हार्ट है आपका, इसको
ये ऊपर आपका क्या था, यहाँ पे ऊपर था आपका नथिंग बट कॉकरोच का डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, एंड द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वो, और डॉर्सल में कौन सा स्क्लेराइट होता है, टर्गम, मैंने बताया था ना कि डॉर्सल में टर्गम होता है, उनकी पूरी बॉडी एक्सोस्केलेटन से कवर होती है, हर एक सेगमेंट में एक 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 एक्सोस्केलेटन होता है, उसका नाम क्या होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन का नाम क्या है, स्क्लेराइट, जो उनके डॉर्सल सेगमेंट में है, डॉर्सल साइड में उसको हम बोलते हैं टर्गम, जो नीचे है हम उसको बोलते हैं स्टर्नम, जो साइड पे है उसको हम बोलते हैं प्लूराइट्स, राइट, ये बताया था। तो ऊपर हो गया आपका नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट द टर्गम, ओके, और नीचे क्या है, हार्ट के नीचे क्या प्रेजेंट है, आपका डॉर्सल डायफ्राम, वो परफोरेटेड जो डायफ्राम था, दिस इज नथिंग बट योर डॉर्सल डायफ्राम, है ना, दिस इज योर डॉर्सल डायफ्राम, चलो थोड़ा सा थिक बना लेते हैं इसको, और ये परफोरेटेड है, याद रखना ये परफोरेटेड है, ये डायफ्राम हमारी डायफ्राम से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू गाइस, ओके वंडरफुल, ओके ओके, सो हियर वी हैव नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट योर डॉर्सल डायफ्राम, ओके, सो ये आपका डॉर्सल डायफ्राम हो गया, सॉरी गाइस, ओके परफेक्ट। नाउ आपकी हार्ट के दोनों साइड में एक मसल है जो अटैच करता है, एक मसल है जो दोनों हार्ट के बीच में ऐसे प्रेजेंट है, और दिस पर्टिकुलर मसल इट लुक्स लाइक अ फैन, आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये फैन की तरह दिख रहा है ना, पंखे की तरह दिख रहा है, पंखे का दो साइड है, एक उसका एपेक्स है, एक उसका ब्रॉड बेस है ना, ये ब्रॉड बेस है और ये उसकी एपेक्स है, एपेक्स कहाँ पे अटैच्ड है जल्दी से बता दो, टर्गम में, ब्रॉड बेस कहाँ पे अटैच्ड है बेटा, आपके डॉर्सल डायफ्राम में अटैच्ड है, ये आपके हार्ट को टच किया हुआ नहीं है, सपोज ये हार्ट का चेंबर है, अच्छे से देखो, मेरे पास 3D व्यू नहीं है तो मैं ऐसे समझा रही हूँ आपको, ये सपोज हार्ट का चेंबर है, ये हार्ट का चेंबर है, आगे ओपन हो रहा है, और यहाँ प्रेजेंट है क्या, ये वाली मसल, एलरी मसल, देखो टच हो रहा है क्या वो हार्ट से, नहीं हो रहा है ना, ऐसे प्रेजेंट है, वैसा ही एक और पेयर इस साइड प्रेजेंट है, ऐसे दो पेयर प्रेजेंट है, गॉट इट, ये जो आपकी एलरी मसल है ये अटैच्ड है ऊपर टर्गम से और नीचे डॉर्सल डायफ्राम से, ये मसल क्या करेगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी, कैन यू सी हाउ इट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सिंग, जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी टर्गम और डॉर्सल डायफ्राम का क्या होगा, वो भी ऐसे ऐसे करेगा, क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कैन यू सी इट इज स्क्वीजिंग, कौन, ये चेंबर, ये पूरा पेरिकार्डियल साइनस जो है, ये पेरिकार्डियल साइनस था ना, ये पेरिकार्डियल साइनस भी ऐसे छोटा बड़ा ऐसे स्क्वीज इन एंड स्क्वीज आउट करेगा, किसने करवाया, ये हार्ट ने करवाया, नहीं, एलरी मसल ने किया, हार्ट तो बेचारा चुपचाप अंदर प्रेजेंट था, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो आपकी पेरिकार्डियल साइनस स्क्वीज इन स्क्वीज आउट हो रही है, तो जैसे स्क्वीज इन स्क्वीज आउट हो रही है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, हार्ट, हार्ट में भी प्रेशर पड़ रहा है, तो आपका हार्ट भी ऐसे स्क्वीज इन एंड स्क्वीज आउट होगा, इसके थ्रू अपनी ब्लड को पास करेगा, तो समझ में आ रहा है कैसे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एंड कॉन्ट्रैक्शन करवा कौन रहा है, ये पर्टिकुलर एलरी मसल, ये दोनों चेंबर्स से, ये जो पर्टिकुलर चेंबर है आपका जो साइनस है, एंटा साइनस, इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है, सो वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज नथिंग बट एन एलरी मसल। ऐसे कितने एलरी मसल के पेयर होते हैं, मैंने बोला ये पेयर में प्रेजेंट है दोनों साइड, एक उस साइड एक इस साइड, राइट, ऐसे प्रेजेंट है वो दोनों साइड, बीच में हार्ट है और वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, राइट, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलरी मसल्स का प्रेजेंट है यहाँ पे, जस्ट लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर एंड आई शो यू, सो कैन यू सी द एलरी मसल प्रेजेंट हियर, एक साइड दिख रहा है ना, दूसरे साइड भी है क्योंकि मैंने ऐसे कट किया हुआ है, ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल गाइस, ओके ओके, राइट राइट, यस, हाँ जी, कोई डाउट है, ओके ओके परफेक्ट, सो नाउ हियर दिस इज एलरी मसल, एलरी मसल मैंने कितना बोल, कितना पेयर होना चाहिए, टोटल 13 हार्ट चेंबर्स है, हर एक चेंबर, ये एक हार्ट चेंबर है, ये एक हार्ट चेंबर है, ये एक, तो इनके बीच में प्रेजेंट होता है एलरी मसल, ऐसे बीच में प्रेजेंट होता है, राइट, तो कितने होंगे आपके टोटल, 12 पेयर्स होंगे, 13 चेंबर्स है, हर एक के बीच बीच में एक एक पेयर है, सो 12 पेयर्स होंगे, सो विल यू रिमेंबर दिस, 12 पेयर्स ऑफ एलरी मसल एंड 13 चेंबर्स ऑफ हार्ट, गॉट इट, परफेक्ट, वंडरफुल गाइस, ओके दैट्स नाइस, तो आपको ये पेरिकार्डियल साइनस दिख रहा है, पेरिकार्डियल साइनस ऐसा स्क्वीज करेगा ड्यू टू नथिंग बट द एलरी मसल, उससे आपकी ब्लड आगे मूव होगी, अब ब्लड को मूव होने के लिए पहले इसमें ब्लड का आना भी जरूरी है ना, तो आएगा कहां से, हर एक के
चेंबर के पीछे लैटरल साइड में यहाँ पे दो ओपनिंग होती है. कैन यू सी दीज ओपनिंग्स हियर? है ना, ये आपका हार्ट का चेंबर है. ठीक है, इस साइड लैटरल साइड पोस्टीरियर, ये एंटीरियर साइड है हार्ट चेंबर का, ये पोस्टीरियर साइड है और ये आपकी दोनों लैटरल साइड है हार्ट की. तो पोस्टीरियर लैटरल साइड में एक ओपनिंग, इस साइड भी एक और ओपनिंग, पोस्टीरियर लैटरल साइड में एक ओपनिंग, एक और ओपनिंग, ऐसी दो ओपनिंग होंगी. ठीक है, दो ओपनिंग होंगी और इनको हम क्या बोलेंगे, ऑस्टिया. वी आर गोइंग टू कॉल इट एज ऑस्टिया. यहाँ ठीक से लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, ये थोड़ा स्प्रेड हो गया है, ऑस्टिया. ठीक है, अब देखो ऑस्टिया विल ओनली लेट द ब्लड टू मूव इन. ठीक है, सो इट विल जस्ट, इट विल लेट द ब्लड मूव इन, ये सिर्फ अंदर जाने को अलाउ करेगा, बाहर इसी रोड से वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि बाहर वो सिर्फ आपकी एओटा से ही आ सकती. लाइक फॉर एग्जांपल, आपका ब्लड हमेशा जैसे ऑस्टिया से अंदर गया तो आपका हार्ट चेंबर फुल हो गया ब्लड से, अब ये ऑस्टिया क्लोज हो गई. कैन यू सी द ऑस्टिया गेटिंग क्लोज्ड हियर इन दिस एरिया? अब ब्लड ईच चेंबर से आगे की तरफ जाएगा, एक एक चेंबर से ही आगे की तरफ ब्लड मूव होगा. ठीक है, तो ऑस्टिया से ब्लड मूव हुआ, फिर आने के बाद ये आगे एक एक ब्लड चेंबर में मूव करता जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑस्टिया होती है, छोटी छोटी ऐसे चेंबर्स होती है जैसे कि मैंने दिखाया, लैटरल साइड में दोनों साइड होंगी. ठीक है, इसके थ्रू ब्लड यहाँ एंटर करेगा. कहाँ से एंटर कर रहा है ब्लड? पेरिकार्डियल साइनस में जो ब्लड था वहां से अंदर गया, जो ब्लड दैट इज हीमोलिम्फ, यहाँ से फिर ये पुश करेगा आगे की तरफ, ये पुश करेगा आगे की तरफ. बैकवर्ड फ्लो नहीं होता है, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाल्व्स. फिर ये आगे गया, आगे गया, आगे गया, एओटा में आ गया, एओटा से फाइनली वो हेड साइनस में आके गिर जाएगा. ठीक है, तो हेड साइनस से फिर उसको आना कहाँ चाहिए? इट शुड कम टू नथिंग बट द रेस्ट ऑफ द साइनस. पेरिविसरल, पेरिनूरल भी तो बचा हुआ है, तो इन दोनों में से वो जाएगा कहाँ सबसे पहले, तो चलो वो देख लेते हैं. ठीक है, तो सपोज आपका ब्लड यहाँ हेड साइनस में आ गया, अब उसको एंटर होना है पेरिविसरल में, लेकिन ये ज्यादा जा नहीं पाएगा, ये बस थोड़ा थोड़ा जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा जाएगा पेरिविसरल में. क्यों? पेरिविसरल में क्या प्रेजेंट है? देखो इतना बड़ा सा ईसोफेगस प्रेजेंट है, इतना सारा आपका एलिमेंट्री कनाल का पूरा पार्ट प्रेजेंट है, देयर इज नॉट मच स्पेस लेफ्ट देयर फॉर द ब्लड टू एंटर. सो ब्लड विल एंटर बट वेरी स्मॉल अमाउंट, मैक्सिमम विल एंटर इन टू द पेरिन्यूरल साइनस. गॉट इट? ठीक है, सो पेरिकार्डियल से, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने लिखा आपका ब्लड सर्कुलेशन का पाथवे, ठीक है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन और हीमोलिम्फ सर्कुलेशन वुड बी अ प्रॉपर वर्ड हियर, तो मैं यहाँ पूरा पाथवे लिख देती हूँ. ठीक है, ब्लड सर्कुल, हीमोलिम्फ सर्कुलेशन, ठीक है, हीमोलिम्फ सर्कुलेशन पाथवे इफ वी राइट, इट विल बी नथिंग बट आपका ब्लड आया कहाँ से? सबसे पहले द ब्लड फ्रॉम योर पेरिकार्डियल साइनस. साथ साथ में बोलो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है. ठीक है, पेरिकार्डियल साइनस के बाद कहाँ जाएगा जल्दी, कौन बताएगा मुझे, जल्दी जल्दी बता दो. ओके राहुल, लेट हो गया, कोई बात नहीं. ओके नहीं बेटा, ऑस्टिया वाल्व की तरह एक्चुअली नहीं बिहेव कर रही. ऑस्टिया का मतलब होता है ओपनिंग कनाल. ठीक है, ऑस्टिया का मतलब हमने पॉरीफर में भी पढ़ा था ना, एनी ओपनिंग और अ पोर इज कॉल्ड एज एन ऑस्टिया. उसमें वाल्व प्रेजेंट है, ऑस्टिया में वाल्व प्रेजेंट है. ठीक है, ओके परफेक्ट, वंडरफुल, परफेक्ट, राइट. सो शुड वी कंटिन्यू करें? ओके, सो पेरिकार्डियल साइनस से बेटा ब्लड कहाँ पे आया आपके? थ्रू ऑस्टिया, ऑस्टिया के थ्रू, यहाँ मैं लिख देती हूँ, थ्रू ऑस्टिया वो मूव कहाँ पे हुआ? आपके हार्ट चेंबर में, है ना, ईच हार्ट चेंबर में आया. हर एक हार्ट चेंबर को एक तरफ से ब्लड मिल रहा है ऑस्टिया के थ्रू, एक तरफ से वो ब्लड आगे वाले चेंबर को दे रहा है, पीछे की तरफ कभी नहीं आता है. ठीक है, बैक फ्लो नहीं होता है. फाइनली आपके फर्स्ट हार्ट चेंबर में चला गया, दैट इज एओटा. ठीक है, एओटा से वो कहाँ गया? आपके हेड साइनस में, है ना, हेड साइनस से फिर वो कहाँ गया? आपकी पेरिन्यूरल, पेरिन्यूरल साइनस में मैक्सिमम गया, पेरिन्यूरल साइनस में ये मैक्सिमम अमाउंट गया, और आपके पेरिविसरल में मिनिमम अमाउंट ऑफ गया. ठीक है, पेरिविसरल में, पेरिविसरल साइनस विल रिसीव वेरी लेस अमाउंट ऑफ ब्लड, राइट. अब पेरिन्यूरल, पेरिविसरल में तो आ गया ब्लड, अब देखते हैं कहाँ जाना है ब्लड को. तो यहाँ पे ब्लड आ गया, ठीक है, यहाँ पे ब्लड आ गया, लेकिन इतना कम ब्लड यहाँ गया था, बहुत छोटा सा ब्लड गया था, कम ब्लड गया था,
तो बात एलिमेंट्री कनाल को इतना बड़ा है, इसको भी तो न्यूट्रिशन की जरूरत है। क्या इतना कम ब्लड इसको हो पाएगा? कैन इट अफोर्ड दिस मच अमाउंट ऑफ ब्लड? इट कांट। सो इट नीड्स मोर अमाउंट ऑफ ब्लड। तो मोर अमाउंट ऑफ ब्लड कहाँ से आएगा? यही पेरिन्यूरल साइनस से जाएगा आपके पेरिविसरल में। किसके थ्रू? ये परफोरेशन दिख रही है आपको, पेरी आपके वेंट्रल डायफ्राम में छोटे छोटे ये जो पोर्स प्रेजेंट है, इसके थ्रू ये आपके पेरिविसरल में आ जाएगा। ठीक है, फिर पेरिविसरल भी पूरा फिल हो जाएगा ब्लड। तो पेरिविसरल में ब्लड ज्यादा कहाँ से आ रहा है? पेरिन्यूरल से आ रहा है। समझ में आ रहा है जी? हाँ जी, परफेक्ट। ओके ओके, परफेक्ट, वंडरफुल। सो ये यहां से ब्लड आ गया आपके पेरिविसरल साइनस में। ठीक है, वंडरफुल। नाउ इसके बाद आपकी पेरिचर, ये वाला लिख लेते हैं हम लोग, पेरिन्यूरल से कहाँ पे आएगा? सो फिर पेरिविसरल में ब्लड गया आपके, पेरिविसरल में ब्लड गया, बाकी के ब्लड किसके थ्रू गया? नथिंग बट यहां लिख देती हूँ, वाया द पोर्स, पोर्स प्रेजेंट इन नथिंग बट योर वेंट्रल डायफ्राम। ठीक है, वेंट्रल डायफ्राम। ओके, परफेक्ट। नाउ पेरिविसरल से फिर ब्लड को कहीं जाना है, पेरिविसरल से पेरिकार्डियल में भी जाना है, सर्कुलेशन फिनिश करना है ना इसको, कि यहां पे भी ब्लड आ गया, पूरा फिल हो गया, अब यहां से भी यहां जाना है, क्योंकि पेरिकार्डियल में ब्लड आया कहाँ कहाँ से था? जो कि वो हार्ट में गया, तो वो आपके यहीं से आया था पेरिविसरल से, थ्रू द परफोरेशन ऑफ द पोर्स प्रेजेंट वेयर इन योर पेरी, सॉरी डॉर्सल डायफ्राम, डॉर्सल डायफ्राम में भी पोर्स प्रेजेंट है, उसके थ्रू वो आपके पेरिकार्डियल साइनस में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, फिर ये कहा गया आपका ब्लड पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस में किसके थ्रू गया वो? ठीक है, पेरिकार्डियल साइनस से फिर वापस यही हो गया ना, पेरिकार्डियल साइनस आया ना, फिर वहां से हार्ट चेम्बर एंड सो ऑन कंप्लीट हुआ ये सर्कुलेशन। पहले ये देख लेते हैं कि आया कहाँ से था ब्लड यहाँ पे, दिस वॉज वाया द पोर्स, पोर्स प्रेजेंट प्रेजेंट इन डॉर्सल डायफ्राम। ओके, डॉर्सल डायफ्राम। ठीक है जी, परफेक्ट, ये हो गया आपका सर्कुलेशन। अब क्वेश्चन अगर पूछा कि कितने टाइम बीट करती है आपकी कॉकरोच की हार्ट, इट इज यूजुअली दो अलग अलग मैकेनिज्म है। जब ये कॉकरोच रेस्ट ले रहा है, मतलब रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, सॉरी मूव नहीं कर रहा है, एट रेस्ट इसकी बीटिंग होती है 59 बीट्स पर मिनट। ठीक है, एंड व्हेन एक्टिव, व्हेन एक्टिव, एक्टिव मतलब भाग रहा है, दौड़ रहा है, खाना वाना खा रहा है अपना मस्त। ठीक है, तो व्हेन एक्टिव, आपने देखा होगा कि कॉकरोच कर्सोरियल है, कर्सोरियल मीन्स दे आर फास्ट रनर्स, राइट? सो व्हेन दे आर एक्टिव इट कैन इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज अप टू 100 to 200 बीट्स पर मिनट, और ये मरेगा नहीं। हम लोग मर जाएंगे इतना ज्यादा हार्ट बीट हुआ तो, टैकीकार्डिया से, है ना, इनको कुछ नहीं होगा, इनकी अडेप्टेशन लेवल खतरनाक लेवल की अडेप्टेशन इनकी। ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल गाइस, ओके वंडरफुल, यस राइट। सो दिस इज योर, इट इंक्रीज अप टू 100 to 200 बीट्स पर मिनट। ठीक है, वंडरफुल। तो ये आपकी सर्कुलेशन हो गई, सर्कुलेशन का मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपको याद रखना है कितने चेंबर हार्ट है, कितने पेयर ऑफ आपकी एलरी मसल्स है, ठीक है, और हार्ट का सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और न्यूरोजेनिक हार्ट है या नहीं। ठीक है, परफेक्ट, समझ में आया? ओके, तो ये आपकी हो गई पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि मैंने अभी बोला कि इनको रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत नहीं है, दे डोंट नीड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। व्हाई डोंट दे नीड रेस्पिरेटरी पिगमेंट? बिकॉज दे हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो उसके बारे में बात कर लेते कि ऐसा क्या खास है कि इनको जरूरत ही नहीं है रेस्पिरेटरी पिगमेंट की। सो देखो, सबसे पहले इनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दे आर टेरेस्ट्रियल, है ना, कॉकरोचेस आर टेरेस्ट्रियल, सो दे आर ऑब्वियसली यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर, नॉट फ्रॉम द वॉटर, सो दे आर नॉट एक्वेटिक। तो हम भी तो एटमोसफेरिक ऑक्सीजन लेते हैं, हम भी टेरेस्ट्रियल है, तो हमारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? हमारे में लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स ऑन द एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इनमें लंग्स नहीं होती है, इनमें होती है ट्रकियल सिस्टम। सो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दे हैव ट्रकियल सिस्टम एंड दे हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका मतलब क्या, यही हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल, ओके।
I'll tell you all the code and everything at the end of the class. शुरुआत में ही मैंने already बोल दिया था कि क्या code है, फिर से end में मैं बता दूंगी. Just let me finish this first. So tracheal system is composed of three things. तीन चीजों से बनी हुई होती है, ठीक है. सबसे पहले क्या है आपका, spiracles या stigmata, ठीक है. Spiracle is nothing but एक opening होती है, ठीक है. So it's an opening जिसको हम बोलते हैं spiracle या stigmata. ये आपको दिख रही होगी है ना, spiracle. ये छोटी सी opening दिख रही है, ये स्पाइरकल है. कहाँ प्रेजेंट है, कितने स्पाइरकल्स है, सब बताऊंगी. फिर दूसरा आता है आपका ट्रकिया, जो आपके स्पाइरकल से ही एक्सटेंड होती है, ट्रकिया. फिर तीसरा आ जाता है आपका ट्रकियोल्स, ठीक है. तो आपकी जो ट्रकिया है, सबसे पहले ट्रकिया तीन ब्रांच प्रोड्यूस करती है, फिर ट्रकिया से आपका आता है ट्रकियोल्स, ट्रकियोल्स प्रोड्यूस होता है. सो दी स्मॉल, ये आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज नथिंग बट योर ट्रकियोल. ऐसे हर एक का होता है, ठीक है. तो इनका पूरा होल स्ट्रक्चर हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है. ओके, परफेक्ट. सो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपकी, सपोज दिस इज नथिंग बट योर, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक वंस. ओके फाइन, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉकरोच हियर एक बार, ठीक है. ये आपका कॉकरोच का एक सेगमेंट है, ये आपकी कॉकरोच की दूसरी सेगमेंट है, ये आपकी कॉकरोच की तीसरी सेगमेंट है, एंड सो ऑन. ओके, ये आपकी दूसरी वाली साइड है, दूसरी वाला साइड है ये, ठीक है. तो हम लोग एक कॉकरोच को ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू. ओके, एक ये एक स्केराइट है आपका, दिस इज वन सेगमेंट. सपोज ये आपकी मेटाथोरैक्स है, लेट्स इमेजिन दैट दिस इज योर कॉकरोचेस मेटाथोरैक्स. मेटाथोरैक्स क्या है, द थर्ड थोरासिक सेगमेंट. लेट्स इमेजिन दैट दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट. एब्डोमेन का फर्स्ट है, ये एब्डोमेन का सेकंड सेगमेंट है, ये एब्डोमेन का थर्ड सेगमेंट है, एंड सो ऑन. ऐसे कितने सेगमेंट है, 10 है एब्डोमेन में, थोरैक्स में 3 है, राइट. ओके, तो हर एक थोरैक्स के, सॉरी, हर एक स्क्लेराइट के साइड के ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है, यहाँ पे आपकी छोटी सी एक सर्क्यूलर ओपनिंग प्रेजेंट है कॉकरोच का. इसको ही हम बोलते हैं स्पाइरकल या स्टिग्मेटा, ठीक है, स्टिग्मेटा. इसका काम क्या होता है, यूजुअली इट हेल्प्स इन नथिंग बट मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड एंड ऑल्सो मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड, ठीक है. ऑक्सीजन की मूवमेंट इन एंड मूवमेंट आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड में हेल्प करती है. कहाँ से कहाँ ले जा रहा है ये भी हमें देखना है, ठीक है. सिर्फ अंदर खोलने से तो नहीं होगा स्पाइरकल, हमें अंदर टिश्यूज तक भी ले जाना है ऑक्सीजन को, जो कि आपकी हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कर रही थी, राइट. तो यहाँ भी लेके जाना है कि नहीं. ओके, परफेक्ट, थैंक यू गाइस. ओके, समझ में आ रहा है सबको, वंडरफुल. हाँ, बिल्कुल सही. स्पाइरकल से क्या आता है, आपका ऑक्सीजन एंटर हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी बाहर जा रही है. कैसे जा रही है वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. ओके, तो पहले हम लोग स्पाइरकल्स की बात कर लेते हैं. कितने स्पाइरकल्स ऐसे होते हैं, ऐसे टोटल आपके जो स्पाइरकल्स है, देर आर 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल, 10 पेयर्स. कितनी सेगमेंट है, 13 सेगमेंट्स है बॉडी में कॉकरोच के, बट है कितना, सिर्फ 10 पेयर्स, ठीक है. ओके, तो हमें ये देखना है कि ये पर्टिकुलर 10 पेयर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि देख के ही समझ में आ रहा है कि सारे सेगमेंट में नहीं है, सारे सेगमेंट के बीच में नहीं है, राइट. क्योंकि 13 सेगमेंट है और 10 पेयर्स है. तो देखो, इन 10 को हमने डिवाइड किया हुआ है कि टू पेयर्स जो है, इट इज प्रेजेंट इन द थोरासिक सेगमेंट, ठीक है. थोरासिक सेगमेंट, थोरैक्स में कहाँ आपका, थोरैक्स में एक आपका प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स के बीच में एक होता है, एक मीजो और मेटा के बीच में होती है, तो दो हो गई. बाकी के जो 8 है, बाकी 8 पेयर्स, दे आर प्रेजेंट नथिंग बट इन द एब्डोमेन. बाकी की सारी एब्डोमेन में प्रेजेंट है, ठीक है. मतलब 9 और 10 लास्ट के दो सेगमेंट में प्रेजेंट नहीं है स्पाइरकल्स, ठीक है. लास्ट के दो सेगमेंट में प्रेजेंट नहीं है स्पाइरकल्स. Got it? Okay, perfect. Now, अब हमें देखना है कि spiracles का structure, entry क्या हो रहा है. Spiracles के बाद आपका आता है nothing but trachea. Okay, trachea. ये याद रहेगा, दो pairs thorax में होता है, बाकी के 8 pairs abdomen. इसी से usually वो question पूछ सकते हैं. ये थोड़ा like most important part है ये spiracles वाला, ठीक है. Trachea क्या होता है, trachea फिर ऐसे enter हुआ अंदर की तरफ और ये तीन branching देता है. इट गिव राइज टू थ्री ब्रांचिंग. थ्री ब्रांचिंग ही क्यों, ये कॉकरोच की बॉडी है. ये सपोज ये कॉकरोच की बॉडी है, ये स्पाइरकल है, हाँ. ये अंदर एंटर हुआ और तीन ब्रांच गई, एक ऊपर डॉर्सल के बॉडी, डॉर्सल बॉडी पार्ट में भी तो ऑक्सीजन चाहिए, एक वेंट्रल
नीचे एक लैटरन, समझ में आ रहा है? एक और बार दिखाऊं, सपोज ये आपका, कैसे दिखाऊं, मेरे पास कुछ अभी प्रॉप भी नहीं है। ओके, मैं ऐसे ही समझाती हूँ, ये आपका कॉकरोच है, ठीक है, ये स्पाइरकल है, इसके साइड पे एक स्पाइरकल अंदर जाके फिर ट्राकिया बनाता है। ट्राकिया की तीन ब्रांचिंग होती है, एक डॉर्सल साइड में जाती है, एक वेंट्रल साइड में जाती है, एक लैटरल साइड में जाती है, ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल। हेलो संदीपन, ओके वंडरफुल गाइस, ओके राइट, हाँ जी, क्या डाउट है सबको? ओके चलो बढ़िया, ओके परफेक्ट, नाउ लेट्स कंटिन्यू हियर। तो आपकी ये ट्राकियल, ट्राकिया की तीन ब्रांचिंग हो गई, ये 1 2 3, ओके। अब जो थर्ड वाला पार्ट है दैट इज दी ट्राकियोल, इन सब के बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी। ट्राकियोल्स, तो ट्राकियोल्स आपकी, सपोज ये लैटरल वाला ले लेते हैं, ये लैटरल वाला अंदर जाके एक पर्टिकुलर सेल है, एक बहुत बड़ा सा सेल प्रेजेंट होता है, एक बहुत बड़ा सा सेल प्रेजेंट होता है, उसके अंदर ये सेल है, इस सेल का नाम है ट्राकियोलर सेल, ओके ट्राकियोलर सेल। तो हर एक ब्रांच जो है, डॉर्सल, लैटरल एंड वेंट्रल, ये आपकी एक एक ब्रांच, एक एक ट्राकियोल सेल के अंदर एंटर हो जाता है। एंटर होने के बाद ये फिर जब बाहर निकलता है, इट कम्स आउट एज नथिंग बट ब्रांचिंग अगेन, वेरी थिन फाइबर लाइक ब्रांचिंग। इस ब्रांचिंग को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज नथिंग बट ट्राकियोल्स। सो दीज आर योर ट्राकियोल्स। कैसे बना, किस तरह से बना, चलो वही हम देख रहे हैं यहाँ पे, ओके परफेक्ट। सो ये आपकी स्क्लेराइट है, ऊपर स्क्लेराइट, सॉरी दिस इज नथिंग बट योर स्पाइरकल, स्पाइरकल ओपनिंग, जिसको हम स्टिग्मेटा भी बोलते हैं, राइट, स्टिग्मेटा भी बोलते हैं। चलो एक बार यहाँ पे बना लेते हैं हम, है ना। तो सपोज दिस इज योर स्पाइरकल, ये सपोज आपकी स्पाइरकल है, एक स्पाइरकल की बात कर रहे हैं, ऐसे दोनों साइड से आ रही है, पेयर्स में प्रेजेंट होती है, ओके। अब क्योंकि ये लैटरल साइड में प्रेजेंट है, ये आपकी कॉकरोच की लैटरल साइड में ऐसे स्पाइरकल प्रेजेंट थी, कॉकरोच का अपर स्क्लेराइट टर्गम था, लोअर टर्गम था, और साइड पे क्या था, प्लूराइट, तो दो प्लूराइट के बीच में ये प्रेजेंट है, तो इसको भी एक कवरिंग, एक स्क्लेराइट ने कवरिंग किया हुआ है, क्योंकि इनकी कोई एंडोस्केलेटन नहीं है ना। तो जिस स्क्लेराइट ने इसको कवर किया हुआ है, ये सपोज वो स्क्लेराइट है जिसने कवर किया हुआ है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट ताकि ये मैं बना लूँ, ठीक है। तो ये स्क्लेराइट ने कवर किया हुआ है, इस स्क्लेराइट को हम बोलते हैं पेरिट्रिम। तो एक सर्क्यूलर, एक रिंग लाइक स्क्लेराइट है, स्क्लेराइट क्या है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, है ना। तो एक रिंग लाइक स्क्लेराइट ने इसको ऐसे कवर किया हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेरिट्रिम, ओके गाइस, एक मिनट लिख देती हूँ मैं, सो दिस इज नथिंग बट द पेरिट्रिम। इसको पिछले वाले डायग्राम से एक बार कंपेयर कर लेते हैं, ये रहा पेरिट्रिम, ये पेरिट्रिम पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है, इसको कट किया हुआ है इसलिए आपको ऊपर से दिख रहा है बस आधा आधा, ये पूरा कवर किया हुआ है, जितना भी आपका पूरा स्क्लेराइट है, सॉरी द स्पाइरकल है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे यू विल गेट टू सी प्रेजेंस ऑफ सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसकी एंट्रेंस में, जैसे आपकी नॉस्ट्रिल होती है ना, आपकी जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, एक्सटर्नल नेरीज है, इसके अंदर आपको कुछ हेयर्स दिखते हैं आपके खुद के नॉस्ट्रिल में, तो वैसा सेम हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम ब्रिसल्स बोलते हैं, इनके पास भी प्रेजेंट है। काम क्या है, सेम जो हमारा हेयर सेल्स कर रहा है, हेयर सेल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमारी, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, सो द सेम फंक्शन इज डन बाय दीज हेयर ब्रिसल्स, ओके। तो ये इनकी हेयर ब्रिसल्स है, इनका काम क्या है, ये जो हेयर ब्रिसल्स है, इट प्रिवेंट्स नथिंग बट एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, गॉट इट, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू कल्याणी, ओके वंडरफुल, राइट, ओके। नाउ लेट्स सी हियर, सो दिस इज नथिंग बट द हेयर ब्रिसल विच प्रिवेंट्स और ट्रैप्स एनी टाइप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। अब अंदर आता है आपका स्पाइरकल का, सो दिस इज नथिंग बट द स्पाइरकल, ये एंट्री हुई किसकी, आपकी स्पाइरकल की, ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टिग्मेटा। अब इसकी एंट्री हुई अंदर की तरफ, अंदर की तरफ एंट्री हुई, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द एट्रिया, एक चेम्बर है, एट्रियल चेम्बर है, फिर स्टार्ट होती है आपका, आपका स्टार्ट होता है ट्राकिया, ये आपका ट्राकिया स्टार्ट हुआ। ट्राकिया के तीन ब्रांचेस हैं, मैंने आपको बताए थे तीन ब्रांचेस है, ये तीन ब्रांचेस हो गए आपके ट्राकिया के, ठीक है। अब एक ब्रांच जाके एंटर होता है कहाँ पे, ट्राकियोलर सेल्स में, उसमें हम आते हैं, पहले हम ट्राकिया की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, क्योंकि आपने बहुत बार ट्राकिया, ऑब्वियसली ट्राकिया हमारे में भी प्रेजेंट है, एंड यू माइट नो दैट आवर ट्राकिया इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय नथिंग बट ट्राकियल रिंग्स,
आपको पता है ना हमारे ये वी कैन ऑल्सो फील द ट्रैकियल रिंग्स, इसे टच करोगे तो यू कैन फील द ट्रैकियल रिंग्स. ट्रैकियल रिंग्स क्या है? दीज आर नथिंग बट सर्टन हायलिन कार्टिलेज. इस कार्टिलेज ने आपकी ट्रकिया को सी शेप होता है, मतलब कंप्लीट नहीं होता, सी शेप होता है, ट्रकिया को ऐसे होल्ड किया हुआ है ना. क्यों प्रेजेंट है? ऑलमोस्ट अराउंड 20 ऐसे ट्रकियल रिंग्स आपकी ट्रकिया में प्रेजेंट होती है. इसका काम क्या है? टू प्रिवेंट द ट्रकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग. कंटिन्यूअस एयर की मूवमेंट हो रही है तो उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए ये कार्टिलेजनस रिंग है. वैसे ही सेम ऐसे ही टाइप ऑफ कुछ रिंग इनकी ट्रकिया में भी प्रेजेंट होती है, बट वो कार्टिलेजनस नहीं है, वो कुछ और है. मैं बता रही हूँ क्या है, और वो बाहर नहीं प्रेजेंट है, वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है. मैं दिखाती हूँ कैसे. ठीक है, ओके. तो देखो यहाँ पर आपकी जो स्पाइरकल के अंदर जो ट्रकिया गई, इट इज कवर्ड बाई सर्टन लेयर. ओके, एक इंटरनल लेयर है जिसको हम बोलते हैं इंटीमा. ओके, तो ये आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द इंटीमा, इनर लेयर, इसलिए इंटीमा बोलते हैं. ये जो इंटीमा है इट अंडरगोस फोल्डिंग्स. ये जो इंटीमा है इसको इसकी फोल्डिंग होती है. कैन यू सी द फोल्डिंग हियर? देखो एक फोल्डिंग हुई, ठीक है, ऐसी एक और फोल्डिंग हुई, ठीक है, एक और फोल्डिंग हुई, ऐसी एक और फोल्डिंग हुई. ऐसे इंटीमा क्या करता है? फोल्डिंग क्रिएट करता है, और इस इंटीमा के फोल्डिंग से ही आपकी ये रिंग्स बनती है, ट्रकिया की रिंग्स बनती है. और ट्रकियल रिंग्स का नाम क्या है बता रही हूं मैं आपको, एक मिनट रुक जाइए, जस्ट लेट मी फिनिश दिस. ऐसे ट्रकियल ब्रांचेस में भी होती है इंटीमा की लाइनिंग, ट्रकियल ब्रांचेस में भी प्रेजेंट है ऐसी इंटीमा की लाइनिंग, इफ यू कैन सी हियर. ओके, ठीक है जी, बढ़िया. जस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, ये डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है. ठीक है, चलो बढ़िया. ओके, सो ये आपकी हो गई इंटीमा की इनफोल्डिंग्स. इनफोल्डिंग्स को हम क्या बोलेंगे? वी आर कॉल गोइंग टू कॉल इट एज नथिंग बट टिनीडिया. अच्छे से स्पेलिंग देख लो, टी से शुरू हो रहा है, सी से नहीं. आपने एक और टिनीडिया कभी सुना होगा ना, सी टी ई एन आई डी आई ए, ये वाला कहीं सुना होगा ना आपने. कहाँ सुना है ये? दिस इज नथिंग बट द गिल्स ऑफ मोलस्क. प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है. ये वाला जो टिनीडिया है सी से जो शुरू हो रहा है, ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट है? मोलस्का में जो गिल्स होते हैं ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था, वो है टिनीडिया. कॉकरोच की जो टिनीडिया है जो टी से शुरू हो रही, दिस इज नथिंग बट द इंटरनल रिंग्स प्रेजेंट इन द ट्रकिया विच प्रोटेक्ट्स द ट्रकिया एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग. ओके, परफेक्ट. उसके अलावा ये टिनीडिया हो गया, तो एक्सटर्नल क्या है? दिस इज नथिंग बट योर क्यूटिक्यूलर, क्यूटिक्यूलर थिकनिंग, एक और लेयर होती है क्यूटिक्यूलर थिकनिंग, फाइन. ओके, तो ये बीच की जो स्ट्रक्चर है एट्रिया के पहले, इसको हम बोलते हैं, सॉरी, आपके ट्रकिया के पहले, वी कॉल इट एज एट्रिया, दैट इज अ चेंबर. फिर आपकी पूरी की पूरी ट्रकिया शुरू होती है. सो दिस नथिंग एरिया इज नथिंग बट द ट्रकिया. ओके, एंड ये आपकी क्या होगी? ट्रकियल ब्रांच. सो दिस इज दी सॉरी दिस इज दी वेंट्रल ट्रकियल ब्रांच, वेंट्रल ब्रांच ऑफ ट्रकिया. This is the dorsal branch of trachea, okay? Dorsal branch of trachea, and this is the lateral branch of trachea. तो चलो lateral branch की ही हम continuation देख रहे हैं कि वो कैसे बनाती है आपकी tracheoles, okay? तो ये जो आपकी trachea है, tracheal branch है, going to enter a huge cell. एक cell है, उसके अंदर ये जाके enter कर जाएगी, ठीक है? ये cell है. इसका साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है. वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज नथिंग बट द ट्रकियोलर सेल. अब देखो जितनी इनर साइड जा रही है उतनी ज्यादा इंटीमेट कनेक्शन हो रहा है, उतना बॉडी के अंदर जाके घुस रहा है, ठीक है. और देखो स्पाइरकल का कितना मोटा थिकनेस था, राइट? दिस थिकनेस इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. ट्रकियल ब्रांच की डिक्रीज हो गई, इससे भी ज्यादा कम होना है क्योंकि सेल्स एंड टिश्यूज को से मैच होना चाहिए ना. जैसे हमें पता है कि हमारे में कैपिलरीज जो है वो आपके सेल्स एंड टिश्यूज के एकदम पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है, आपकी आर्टरीज और वेन्स नहीं है, ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ भी वही काम है. तो आपका ये जो ट्रकिया है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ओके परफेक्ट. मैंने अभी बताया फाल्गुनी हेयर ब्रिसल्स, आपकी जैसे हेयर्स प्रेजेंट है नॉस्ट्रल्स में, वैसे इनके यहाँ पे स्पाइरकल्स की ओपनिंग में हेयर ब्रिसल्स प्रेजेंट है. हेयर ब्रिसल्स का काम है टू प्रिवेंट और ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग, ठीक है. ओपन है ना पूरा एटमोस्फेरिक एयर से, तो डस्ट पार्टिकल्स को प्रिवेंट कर रहा है एंटर होने से, ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल. ओके, हाँ जी कुणाल, पेरिट्रिम वॉल इज
उसके ऊपर फिर क्यूटिकल होता है, वो एक्सोस्केलेटन ही, पेरिट्रियम इज नथिंग बट द स्क्लेराइट। पेरिट्रियम जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज नथिंग बट द स्क्लेराइट, इट्स अ रिंग स्क्लेराइट। ये टर्गम, स्टर्नम और आपके प्लूराइट से डिफरेंट है। यहाँ आपकी प्लूराइट होगी ना, यहाँ पे पूरा आपका एक और सेगमेंट शुरू हुआ है, यहाँ पे आपका एक और सेगमेंट शुरू हुआ है, ठीक है? ओके, परफेक्ट, वंडरफुल, राइट, समझ में आ रहा है सबको? दैट्स वंडरफुल, परफेक्ट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो ये ट्रैक्यूलर सेल में एंटर हुआ, एंटर होने के बाद ही इसकी एक, देखो, टिनीडिया गायब हो गई है। ये भी आपकी टिनीडिया ही थी, टिनीडिया सिर्फ ट्रैकिया में ही होता है, टिनीडिया सिर्फ ट्रैकिया में ही होता है, ट्रैक्यूल्स में नहीं होता है। तो टिनीडिया सिर्फ ट्रैकिया में होता है, ट्रैक्यूल्स में नहीं है, तो यहाँ पे एंटर हुआ। एंटर होने के बाद ही इट विल गिव राइज टू मेनी ब्रांचेस, ऐसे इसने ब्रांच, ब्रांचिंग दिया, ठीक है? ईच ऑफ दीज आर कॉल्ड एज नथिंग बट ट्रैक्यूल्स। सो ईच ऑफ दीज आर योर ट्रैक्यूल्स। सो कैन यू सी द ट्रैक्यूल्स हियर? दे आर सो थिन, जस्ट लाइक कैपिलरीज, है ना? आपकी ब्लड कैपिलरीज की जितनी डायमीटर है, इसकी भी इतनी होगी, इतनी ही है, ठीक है? सो ये हो गई आपकी ट्रैक्यूल्स। ओके, सो दीज आर योर ट्रैक्यूल। ओके, इस ट्रैक्यूलर सेल ने किया क्या है, ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? ये जो ट्रैक्यूलर सेल है ना आपका, ये ट्रैक्यूलर सेल इज गोइंग टू रिलीज और सिक्रीट सम काइंड ऑफ फ्लूइड हियर। एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जो आपके ट्रैक्यूल के एंड में जाके ऐसे स्टोर हो जाता है। और ये जो ट्रैक्यूल की एंड है, ये किसके पास प्रेजेंट है, किसके साथ अटैच्ड है? दिस इज नथिंग बट नियर द बॉडी टिश्यूज। यहाँ पे आपकी बॉडी सेल्स है, किस, आपकी नहीं, कॉकरोच की, ठीक है? कॉकरोच की ये बॉडी टिश्यूज है, सेल्स है। तो देखो, इसके ठीक एकदम पास में ही है ये ट्रैक्यूल, है ना, पास में ही है। तो ये डिफ्यूजन में हेल्प करेगी, कैसे करेगी? अब देखो, इसी पार्ट को मैं आपको, दिस इज नथिंग बट द बॉडी टिश्यूज यहाँ लिख देती हूँ, कॉकरोच की बॉडी के टिश्यूज है ये, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा, आपको दिख रही है बॉडी टिश्यूज यहाँ पे स्ट्रक्चर में? देखो, आप यहाँ पे इसको, इससे रेफर कर सकते हो इस डायग्राम को। सो यहाँ पे टिश्यूज और ट्रक्यूल्स दिख रही है, एकदम टिश्यूज के साइड पे है। ट्रक्यूल ट्रंक्स भी मैंने आपको बताया, वो भी आपने देखा, ठीक है? यहाँ पे ट्रक्यूलर सेल्स इस डायग्राम में नहीं था, इसीलिए मैंने अलग से बना के दिखाया। ओके, अब इस पर्टिकुलर पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिलीवरी हो रही है, ठीक है? तो ये सपोज आपका एक ट्रक्यूल है, ठीक है? और सपोज ये आपकी बॉडी सेल है, आपकी मतलब कॉकरोच की, सॉरी मुझे आदत है आपकी आपकी बोलने की, बिकॉज आई टीच ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसीलिए चलो कोई नहीं, समझ लेना कॉकरोच ही समझ लेना, कॉकरोच के बारे में ही बता रही हूँ मैं, ठीक है? सो ये सपोज बॉडी सेल है, ठीक है? ये बॉडी टिश्यू या सेल है, है ना? ओके, एक और बनाते हैं यहाँ पे नीचे। मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लोड एंड डीलोड होता है। ओके, यहाँ पे चलो एक और ट्रैकिया बना लेते हैं, ट्रैक्यूल बना लेते हैं। तो ये एक और ट्रैक्यूल हो गया, ठीक है? अब देखो, इस ट्रैक्यूल नंबर वन वाले ट्रैक्यूल में यहाँ पे ये फ्लूइड प्रेजेंट था, है ना? ये फ्लूइड प्रेजेंट था। इस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? ट्रैक्यूलर फ्लूइड। किसने रिलीज किया है? ट्रैक्यूलर सेल ने, इसके अंदर डाल के रखा हुआ है, ठीक है? सो दिस इज नथिंग बट योर ट्रैक्यूलर फ्लूइड। इस ट्रैक्यूलर फ्लूइड में आपका ऑक्सीजन आके मिक्स हो जाता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन आया था, एंटर हुआ था, ऑक्सीजन मूव हो रहा था, ठीक है? और यहाँ पे आके मिक्स हो गया O2, ठीक है? तो यहाँ पे सपोज आपकी O2 मिक्स्ड है, सो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर और मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है? जस्ट ओके, तो ये आपकी सपोज O2 है, यहाँ पे O2 मिक्स्ड है। सो ट्रैक्यूलर फ्लूइड इज एज ऑफ नाउ फिल्ड विद O2, ठीक है? अब इसने क्या किया, इसने इस फ्लूइड को यहाँ पे डिफ्यूज कर दिया। तो ये फ्लूइड जो है आपकी यहाँ पे आ गई सेल्स में एंड बॉडी टिश्यूज में आ गई, अलोंग विथ क्या, अलोंग विथ योर O2, ठीक है? O2, परफेक्ट। अब क्या हुआ यहाँ पे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, चलो इसको डिवाइड करते हैं, इस पेज को डिवाइड करते हैं, यहाँ दिखाती हूँ क्या होगा। अब क्या हुआ, आपकी जो ये ट्रैक्यूल थी एम्प्टी हो गई, इसमें फ्लूइड बचा क्या? नहीं बचा, ठीक है? फ्लूइड तो इसने डीलोड कर दिया, सो दिस इज नथिंग बट अनलोडिंग ऑफ ट्रैक्यूलर फ्लूइड। यहाँ पे क्या चल रहा है, अनलोडिंग ऑफ ट्रैक्यूलर फ्लूइड इनटू दी सेल्स, ठीक है? अनलोडिंग ऑफ ट्रैक्यूलर फ्लूइड एंड इट इज लोडेड विथ व्हाट, इट इज लोडेड विथ O2।
तो ये एम्प्टी हो गया अभी, ठीक है. सो दिस इज नाउ राइट नाउ एम्प्टी. और ये आपकी सेल्स जो है, बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज है, इसमें क्या, इट इज फिल्ड विथ ओ टू. ऑक्सीजनेशन हुआ, हुआ ऑक्सीजनेशन, बिल्कुल हुआ. तो इसके लिए इसको हीमोग्लोबिन की जरूरत है? नहीं है, इसकी खुद की रेस्पिरेटरी ऑर्गेन ही ये सब काम कर रही है. सो दे डोंट नीड एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट. गॉट इट? अब टिश्यूज ने यूटिलाइज किया ऑक्सीजन को, ये क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड को मुझे वापस लेके जाना है, तो देखते कैसे जाएगा. तो यहाँ बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ठीक है. उसके साथ साथ फ्लूइड आया, तो इसने क्या किया, ये जो ट्रैक्यूलर फ्लूइड ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसने इसको वापस फेंक दिया. लेकिन अब इस फ्लूइड का कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, ये फ्लूइड अब डीऑक्सीजनेटेड है. इसमें कार्बन, इसमें ऑक्सीजन है क्या? नहीं है. इसमें क्या है अभी? कार्बन डाइऑक्साइड है ना. इसने यूटिलाइज कर लिया ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर उसने डीलोड, इसमें वापस लोड कर दिया. सो अनलोडिंग हो रहा है, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, लोडिंग. लोडिंग किसके साथ? CO2 के साथ. CO2 फिर अब वापस मूव करता रहेगा, करते करते कहाँ जाएगा? CO2 वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, बाहर चला गया. ठीक है, समझ में आया? परफेक्ट, वंडरफुल, परफेक्ट परफेक्ट, समझ में आया सबको? यस यस, राइट, एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, राइट. तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन अंदर गया, डीलोड, अनलोड हुआ ऑक्सीजन ट्रैक्यूलर फ्लूइड के साथ, फिर आपकी लोडिंग हुई, फिर से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की, और वापस वो बाहर चला गया. ठीक है, अब इतनी बेहतरीन इनकी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर और इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम है कि अ कॉकरोच कैन एक्चुअली लिव विदाउट इट्स हेड फॉर अ वीक. ठीक है, डीकैपिटेंट होने के बाद इनकी जो हेड अगर मूव कर दिया, तो दे कैन एक्चुअली लिव फॉर अ वीक. कैसे? क्योंकि देखो, सबसे पहला रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन क्या है कि वाई इट कैन लिव विदाउट अ हेड फॉर अ वीक, इज उनकी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अभी हमने पढ़ा. सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, हेड साइनस अगर हमने तोड़ दिया, चलो वापस एक बार वहां जाते हैं, हेड साइनस मैंने तोड़ दिया, ये कट कर दिया मैंने, बट ये, अरे ये परफोरेशंस तो बचे हैं ना अभी भी, तो मूव यहां से यहां मूव हो सकते हैं ब्लड इन द बिटवीन द पेरिकार्डियल साइनस, पेरिविसल साइनस एंड पेरिन्यूरल साइनस. हेड साइनस की जरूरत नहीं है. सो विथ सर्कुलेशन दे सर्वाइव. उसके अलावा आपको, अगर आपने देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों ही इसको प्रिवेंट कर रही है मरने से, क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी वो अपने हेड से सांस नहीं ले रहा, उसके हेड में ऐसा कुछ ऑर्गन नहीं है जिससे वो सांस ले रहा है. उसकी हर एक बॉडी के सेगमेंट में स्पाइरकल्स प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया था, है ना, हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर एक, तो यहाँ से एंटर हो रहा है. तो अगर मैंने हेड काट भी दिया, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, दिस इज नथिंग बट द हेड, इसको मैंने अगर काट भी दिया, डीकैपेसिटेट कर दिया, तो क्या होगा इसका, इट कैन सर्वाइव बट फॉर अ वीक. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इट कैन ईदर डाई ड्यू टू स्टार्वेशन, क्योंकि उसका हेड चला गया तो खाना नहीं खा पा रहा है ना. सो इट कैन डाई, सो इट कैन डाई ईदर ड्यू टू स्टार्वेशन और ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन. कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो एक्सपोज्ड पार्ट है, चॉप्ड ऑफ है ना उनका हेड. सो ड्यू टू सर्टन बैक्टीरियल इन्फेक्शन और स्टार्वेशन इट मे डाई आफ्टर अ वीक, बट अ वीक तक इट कैन सर्वाइव. ओके, ऑब्वियसली आफ्टर अ वीक उसको खाना तो चाहिए ना, एक वीक तक उसने खाना नहीं खाया. सो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन होगा बॉडी में, एंड देर विल बी लॉट्स ऑफ अदर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, एंड इट विल डाई एंड ईदर ड्यू टू अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, सो अ कॉकरोच कैन एक्चुअली लिव विदाउट इट्स हेड. ठीक है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जिंदा रह सकता है. ठीक है, ओके, परफेक्ट, वंडरफुल, राइट राइट राइट, गॉट इट गाइस. ओके ओके, सिंसाइशियल का मतलब, कुणाल मैंने पहले भी बहुत बार समझाया, सिंसाइशियल का मतलब होता है एक सेल जिसकी कोई डिमार्केशन नहीं है, तो न्यूक्लियाई बहुत सारे हैं उसमें. ठीक है, यही आपकी सिंसाइशियल एपिडर्मिस, इनके यहाँ भी सेल ऊपर होती है, ट्राकिया को कवर किया होता है, तो दिस इज नथिंग बट द सिंसाइशियल एपिडर्मिस, सिंसाइशियल एपिडर्मिस. ठीक है, इस ये भी एक कवरिंग है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है. ओके, सो दिस इज द सिंसाइशियल एपिडर्मिस. ओके, ठीक है, समझ में आया? तो सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीट, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों हो गया. ठीक है, तो दिस इज अबाउट आवर एनाटॉमिकल क्लास टुडे. इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे द नेक्स्ट टू पार्ट्स, आपकी
और क्या बची हुई है, आई थिंक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा हुआ है आपका कॉकरोच का, मेल एंड फीमेल, वो भी मैं बता दूंगी आपको, फिर हम लोग एक दिन क्वेश्चनेयर कर लेते हैं, है ना, मेंटी क्विज या क्वेश्चनेयर दोनों ही कर लेते हैं हम कॉकरोच का, ठीक है। ओके गाइज, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू। यूजुअली खलील दो क्वेश्चन तो आ जाते हैं नीट में, है ना, अगर आप देखो वो डिफर करता है, ईयर टू ईयर डिफर करता है, किसी साल को एक ही क्वेश्चन पूछा है, किसी साल को दो तीन क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, ठीक है। ओके परफेक्ट, सो सी यू ऑल एट 5 o'clock टुडे। स्पेशल ऐप में क्लास है आपका, वहाँ पे मैं आज एब्जॉर्प्शन पढ़ाऊंगी, कल मैंने डाइजेशन पढ़ाया था, राइट, कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड फैट एंड प्रोटीन्स का, तो उसका आज हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे वहाँ पे, तो सारे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में बता दूंगी, कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, कौन सा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्या चल रहा है। ओके, जाने से पहले वी ऑल नो दैट अगर आपको स्पेशल क्लास में आज अगर आना है तो आप प्लीज़ लर्निंग अन अकेडमी का लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ईजी से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जस्ट टाइप कीजिए लर्निंग ऐप, और कोई मुझसे पूछ रहा था ना लाइक वो क्या है, व्हाट यू से, मेरा कोड क्या है, वो मैं अभी दिखा रही हूँ यहाँ पे बेटा, तो देख लीजिए, प्लस में जाइए, फिर यू क्लिक ऑन नीट यू जी एंड गेट द सब्सक्रिप्शन। जो आज मेरी क्लास है वो स्पेशल क्लास है, ये वाली क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लस के लिए बहुत जो अफोर्डेबल है, मैंने आपको बताया कि अगर आप इस साल के लिए अपीयर कर रहे हो तो आप ये तीन आपके लिए सूटेबल होता है, तीन ऑप्शन, अगर आप 12th में हो तो आप एक साल का ले सकते हो 2500 पर मंथ, अगर आप 11th में हो, दो साल बाद अगर आप देने वाले हो नीट को, नीट का एग्जामिनेशन, तो आप ये वाला ले सकते हो, तो ऑलमोस्ट 75% ऑफ है इसका, इसमें, राइट, इससे भी कम हो जाएगा। ये है मेरा कोड, रेफरल कोड, इस कोड को अगर आप अप्लाई करोगे, SWHETA, जस्ट अप्लाई दिस कोड एंड यू आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ ऑन द टोटल, तो प्लीज़ इस कोड को यूज़ करो, आपको ही फ़ायदा है, आपका ही कम हो जाएगा, ठीक है। ओके परफेक्ट, हाँ जी परफेक्ट, थैंक यू गाइज, एंड सी यू गाइज एट 5 PM देन ऑन अन अकेडमी ऐप, एंड ऑल ऑफ यू टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।